कुछ दिनों से और आज बिलखसूस मैं कल से यहाँ आया हूँ, कुछ क्वार्टर्स से मेरी नोटिस में यह आ रहा था कि कुछ क्वार्टर्स या कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ इस किस्म का जैसे स्केयर जनरेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जी ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे जी रेमडेसिविर की कमी है, यहाँ पे किसी और दवाई की कमी है, यहाँ पे जी और या और कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है जो कोविड रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है वो ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि शायद वो कमज़ोर है या वीक है और वो विच कैन नॉट मीट द डिमांड। मैं इसीलिए आपको यहाँ पे बुलाया कि मैं आपको ये चीज़ वाजह कर सकूं कि इन चीज़ों में और इन बातों में कोई भी सदाकत नहीं है। ये मेरी बात आप गौर से सुनिए, कोई भी सदाकत नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी यूटी में इस वक्त यहाँ पे 5 टन से इस वक्त हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन की, वो हमने 20 टन की अवेलेबिलिटी यहाँ मौजूद है, जो कि सफिशेंट है एक बहुत बड़ी डिमांड को मीट करने के लिए। इसलिए इस बात का किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे किसी को किसी किस्म की कोई दिक्कत आएगी या किसी को कोई परेशानी होगी, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको यहाँ पर दूसरा ये भी बताऊँ कि हमारी जो J&K की यूटी है, इसका सबसे बड़ा ऑर्डर है पूरी कंट्री में 1,25,00,000 वैक्सीन्स का जो दिया गया है। सब स्टेट से ज़्यादा का ऑर्डर जो है वो हमारी यूटी का है। हमारे बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो यूपी का आता है। इसलिए सबसे ज़्यादा वैक्सीन जो आ रही हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। दूसरा, इसमें भी किसी किस्म का किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। रेमडेसिविर का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं आपको ये बड़े तरीके से वाजिया करूं कि हमारे पास सफिशिएंट और एम्पल क्वांटिटी में ये दवा जो है ये मौजूद है, और जिस वक्त इसकी जहां पे ज़रूरत होती है जहां वो इसको इमीडिएटली वाहगुजार की जाती है। मेरे साथ जो मेरे राइट साइड पे बैठे हैं डायरेक्टर स्कीम्स, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, DC श्रीनगर और सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बैठी है, और मैं खुद जो है आज से, जैसे आपने देखा होगा और सुना होगा कि मैं खुद पूरी वादी का दौरा कर रहा हूं। ऑनरेबल LG साहब की मेरे को हिदायत है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाएं, वहां पे देखें कि कैसी मैनेजमेंट चल रही है, किसी किस्म की कोई शॉर्टेज तो नहीं है, लोगों को कोई तकलीफ़ होने का अंदेशा तो नहीं है, हमारी मैनेजमेंट ऑफ प्रिपेयरनेस क्या है कोविड को लेके। उसी सिलसिले में आज मैं आपको बताऊं कि मैं साउथ कश्मीर गया हुआ था, जहां मैंने अनंतनाग ज़िला और कुलगाम ज़िला का एक डिटेल 3-4 घंटे का रिव्यू किया, और उसके बाद लोगों से मिला, सारे PRIs से, रिलीजियस हेड से, सबसे मिलके उनसे बात किया और उनके भी तासुरात जाने, और जो वहाँ पे भी जो मुझे उन ज़िलों के लिए जो डिटेल्स फराहम की गई वहाँ पे भी किसी किस्म की कोई ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ना ही कुलगाम में ना ही अनंतनाग में। इसी तरह बाकी ज़िलों में भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि 5 टन से इस वक्त हमारे पास 20 टन जो है वो ऑक्सीजन अवेलेबल है, जो सफिशेंट है मीट करने के लिए रिक्वायरमेंट को। रेमडेसिविर का भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है, और हमारे पास एम्पल क्वांटिटी में ये दवा जो है ये मौजूद है। एक और दवा का जो अक्सर यहाँ पे जिक्र किया जाता है कुछ क्वार्टर से, टॉमवैक्सलिन कोई दवाई है उसका यहाँ पे बताया जाता है, तो वो जहाँ तक मैंने पता किया और जो किया है उसके लिए ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस किया जा चुका है। वो दवा ऑलरेडी पाइपलाइन में और कल सुबह तक हमारे पास यहाँ पे वाफिर मिकदार में यहाँ जो है वो अवेलेबल होगी, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे भी ज़रूरत होगी उस ज़रूरत के मुताबिक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो रही है, और जो आ रही है उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि किसी किस्म के अगर कभी उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो भी शेल यहाँ पे अवेलेबल होगी। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, तमाम मीडिया से दरख्वास्त है, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत देर से काम किया, हमेशा काम किया है, टफ़ टाइम्स में भी अच्छे टाइम्स में भी, मैं आप सबको जानता हूं, और आपने हमेशा यू हैव ऑलरेडी हैड ए वेरी वेरी फ्रेंडली अप्रोच, और आपने एडमिनिस्ट्रेशन का सही बात के लिए हमेशा साथ दिया है। मेरी आपसे दरख्वास्त यह है कि ये जो गलत किस्म की अफवाहबाजी कोई करते हैं या फैलाते हैं जस्ट टू क्रिएट ए स्केयर, कि लोगों में एक अजीब किस्म का एक स्केयर जनरेट हो जाए कि इस चीज़ की शॉर्टेज है, उस चीज़ की शॉर्टेज है, अब पेशेंट्स कहाँ जाएंगे, अब अगर किसी को कोविड हो गया उसको ये चीज़ नहीं मिलेगी, वो चीज़ नहीं मिलेगी। इस चीज़ को इसीलिए मैंने सोचा कि इस वक्त
हालांकि एक ऑड आवर है इस वक्त आपको बुलाना, इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ बैठ के ये बात करूं, ताकि आप इमीडिएटली इसको सारे लोगों की नोटिस में लाइए इस बात को कि यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और जे एंड के यूटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस विच इज़ मैनेजिंग द कोविड राइट नाउ, द बेस्ट। मैं आपको बताऊँ, हमारा ऑलरेडी जो परस्पेक्टिव प्लान भी है, और जहाँ तक हमारा अगर हमने जो कंटीजेंसी प्लान्स भी अपने रखे हैं मैनेजमेंट के लिए, जो एनहांसमेंट कैपेसिटी एनहांस करने का है, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करने का है, बेड कैपेसिटी एनहांस करने का है, मैं आपको बताऊं वो ऑलरेडी सारा जो है उस पर भी इस वक्त काम लगा हुआ है। तो अगर खुदा ना खास्ता इससे ज़्यादा भी अगर डिमांड बढ़ती है और अगर प्रेशर आता है, तो हम उसको भी जो है उसको भी शोल्डर करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं आपको आपके माध्यम से मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, मैं कुछ यहाँ पे हेल्पलाइंस के नंबर जो हैं यहाँ पे डिसमिनेट और लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ आपके आपके चैनल्स के थ्रू, ताकि आप उनको अच्छी तरह उसको रिपीट करते जाएं लोगों को, कि अगर किसी को किसी किस्म की कोई शिकायत हो, कोई क्वायरी हो, या काउंसलिंग की ज़रूरत हो, या किसी किस्म का कोई उन्होंने पूछना हो कि कहाँ पे उनका काउंसलिंग सेंटर है, कौन सा उनका सेंटर है जहाँ पे वो जा सकते हैं, उसके लिए राउंड द क्लॉक 24/7 जो है वो हमारी हेल्पलाइंस काम कर रही हैं। इस वक्त भी आज भी जो हम मैंने उसका जो रिव्यू किया, तकरीबन 3,500 जो है उसमें से ऑलरेडी जो क्वायरीज आई उस सब का उन्होंने जवाब दिया है, और लोगों को काउंसलिंग करके जहाँ जिसको जिस किस्म की भी रिस्पॉन्स की ज़रूरत थी उनको मिला है। ये नंबर आप मैं ये अनाउंस करूँगा, मैं ये पढ़ूँगा ये नंबर आप, ताकि इसको लोगों तक पहुँचाएँ। दो हमारे लैंडलाइन नंबर हैं, एक तो है 245-745-752, दूसरा नंबर हमारा है 245-7543। इसके अलावा हमारा एक मोबाइल नंबर है जो जिसको आप इस्तेमाल करवा सकते हो, और इसको भी आप अनाउंस कर सकते हो, वो नंबर है 6006-3308-6006-3308। मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे किसी का अगर कोई क्वायरी हो, मेरी दरख्वास्त है जो लोग अगर हो सकता है लोगों को, कई सेक्शंस ऐसे कई होते हैं सोसाइटी में जिनको क्वायरीज होती हैं, पढ़े लिखे लोगों को भी क्वायरीज होती हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर किसी को कोई क्वायरी है, या अगर किसी का किसी कोई कोई क्लेरिफिकेशन कोई चाहते हैं किसी बारे में, उसके लिए हमारे जो हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी के जो टेक्निकल लोग हैं उनका, जैसे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स के लिए प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज GMC है, या बाकी के लिए डायरेक्टर स्कीम्स हैं JVC के हैं, या बाकी जो इन्होंने एयरमार्क जो हेड्स हैं यहाँ पे मेडिकल फ्रेटर्निटी के, उनसे रابطہ कायम करना चाहिए, उनसे क्लेरिफिकेशंस लेनी चाहिए, बजाय इसके कि हेयर से पे बिलीव करना या हेयर से पे कोई ऐसी बात कह देना कि जिससे किसी किस्म का यहाँ पे कॉन्फिडेंस शेक हो जाए, किसी और इंसान का आम आदमी का कॉन्फिडेंस शेक हो जाए, दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, मीडिया से ख़ास तौर पे मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ये मेरी मैसेज को, जो मैंने अभी आपके साथ जो फिगर शेयर किए, जो मैंने अभी आपको बताया सारी चीज़ों का, जो मैंने आपको बताया, ये लोगों तक पहुंचाइए इसको, ताकि लोग जान सकें कि हम कहाँ पे खड़े हैं, क्या हमारी पोजीशन है। दो चीज़ें मैं आपको और भी बताता हूँ, एक तो हमारा फर्दर जो मैंने आज देखा, एक हमारा 1000th व्हाट इज़ दैट LPM, ये LPM का जो ये प्लांट है ऑक्सीजन का, दैट विल स्टार्ट कमीशनिंग इन 7 days टाइम एट बीच बिहार, एक एडिशनल फॉर साउथ कश्मीर, एंड अनदर एट यहाँ पे जो आपका है कुलगाम में जो है वहाँ पे भी 1000 का फर्स्ट को एक और शुरू हो रहा है। उसके अलावा श्रीनगर में भी आप हमारा जो है यहाँ पे हम एक शुरू कर रहे हैं 1000 सेम कैपेसिटी का। इसकी वजह से जो हमारी ऑलरेडी अगर पोजीशन अच्छी है, इसको हम फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी किसी को ना हो। तो ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। आप हमें बता कि कितनी कौन की अवेलेबल है। देखिए मैंने अभी आपको बता, हाउ मेनी ICU बेड्स आर रेडी इफ द नीड अराइज। देखिए मैं आपको बताऊं कि राइट नाउ ये डिटेल्स, दीज डिटेल्स यू कैन हैव फ्रॉम द कंसर्न हु आर विद मी
यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हैं, एंड दिस इज दैट वेरी डायनेमिक सिचुएशन। आज जितने बेड्स हैं उसको फर्दर सुबह तक हम इंक्रीज करके और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन कनेक्टेड बेड्स जो हैं, इसलिए इस वक्त हमारे पास काफ़ी ऑलरेडी और ज़्यादा बढ़ चुके हैं उसकी उसको रिसीव करने के लिए अगर कोई ज़रूरत पड़ी। जहाँ तक आप एक सेकेंड, जहाँ तक रेमडेसिविर का ताल्लुक है, तो मैं एज एडवाइज़र आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमारे पास इसकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और हमारे पास ये एम्पल क्वांटिटी अवेलेबल है ताकि किसी को इस अगर कभी ये ज़रूरत पड़े भी तो उसको हम इमीडिएटली प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल्दो ये जो रेमडेसिविर है, जैसे डॉक्टर साहब आप ज़रा इन पर थोड़ा सा इसमें लाइट दीजिए कि क्या वेदर दिस रेमडेसिविर जो है इसका क्या फंक्शन है और कब ये ज़रूरत पड़ती है। एक से जस्ट मिनट ताकि आपका अच्छी तरह में क्लियर करें। ट्रिपल थ्री में वो और एक थ्री जोड़ दीजिए, ट्रिपल थ्री में और एक थ्री जोड़ दीजिए, क्वाड्रुपल थ्री। डायरेक्टर हेल्थ एंड डायरेक्टर स्कीम्स कंबाइंड के रेमडेसिविर के नंबर आप कह रहे हैं कि अवेलेबल है, मैं जानना चाहूंगा सर कि पिछले दो दिन में कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन लगे हैं, कितनी अवेलेबिलिटी थी पिछले 48 घंटे पहले और अभी कितनी अवेलेबल। देखिए मैं आपको, those people who are crying from within the hospitals, the medicine is not available to them, दोनों ही लाइफ सेविंग ड्रग्स रेमडेसिविर भी और the additional one भी, are those calls fake, are those people fake from within the hospitals who are crying for the unavailability of the medicine? बताइए इसका अगर आप। सर मैं बताऊँ, टेक्निकल नहीं हूँ, तीनों इंस्टीट्यूट्स क्योंकि तीनों का सेपरेट रहता है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज अदर देन स्कीम्स और जीएमसी देखते हैं, उनकी डेली रिक्वायरमेंट 100 है, उनके पास अभी 3 दिन की स्टॉक अवेलेबल है। स्कीम्स की डेली रिक्वायरमेंट 100 है, उनके पास आने वाले 3 दिन का स्टॉक अवेलेबल, आने वाले 3 दिन या आने वाले 4 दिन का। एसएमएचएस जीएमसी के जो एसोसिएट हॉस्पिटल है उनकी डेली रिक्वायरमेंट 150 के करीब आती है, 2 दिन का स्टॉक अभी भी उनके पास अवेलेबल, और सुबह तक यहाँ पे ये फ्लड हो जाएगा इन चीजों से। और फिर अटेंडर हमें कॉल क्यों करते हैं? नहीं नहीं, मिस्टर स्टॉल बता रहे हैं हमें, एक सेकंड टुमारो दैट इज गोइंग बी अवेलेबल, बट आई आस्क फॉर पास्ट 2 डेज बिकॉज़ वी हैव बीन गेटिंग नंबर ऑफ कॉल्स। नाउ जस्ट लिसन टू मी आई हैव इवन कांटेक्टेड। नाउ जस्ट लिसन टू मी इफ यू हैव अ स्पेसिफिक क्वेरी विद रिगार्ड टू द नंबर ऑफ रेमडेसिविरिंग वायल्स अवेलेबल in different hospitals, you can immediately contact the person and he'll elaborate on that. That's one thing. Number two, I must tell you that I have, at the very outset, I pointed out that certain people with certain vested interests also are, it has come to our notice. We are in the process of verifying these things. इन द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन कि कुछ लोग जानबूझ के आर्टिफिशियल स्केयर्सिटी का जो है ये यहाँ पे बताना चाहते हैं ताकि एक स्केयर जनरेट हो, वेयर एज इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन यू कि आप इसको कॉग्निजेंस लें इस चीज़ का। एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो इनकम्बेंट अपॉन यू टू फर्स्ट वेरीफाई फ्रॉम द कंसर्न मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड द टेक्निकल पर्सन हु आर सिटिंग हेयर फ्रॉम द डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सो दैट दे कैन प्रोवाइड यू ए फुल इंसाइट इन टू द मैटर विद रिगार्ड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स एंड वेदर इट एंड एट वट स्टेज दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। सो प्लीज माई रिक्वेस्ट टू यू इज कि दैट यू माइट बी गेटिंग डिफरेंट फ्रेनेटिक कॉल्स ऑल्सो, डिफरेंट कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स ऑल्सो, आई डोंट नो, बट यू प्लीज वेरीफाई इट फर्स्ट। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज वाई ऑल्दो आई वॉज नॉट सपोज टू शेयर दिस थिंग विद यू, जे एंड के हैपन्स टू बी द यूटी पूरी कंट्री में जिसने सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है 1.25 करोड़ वैक्सीन का। सर वो मई के बाद नहीं भाई, आप या आप जस्ट मिनट आइदर यू आंसर योर ओन क्वेश्चन और यू जस्ट लिसन टू मी, टाइम विल टेल कि आप ठीक बोल रहे हो या मैं ठीक कह रहा हूँ। आप जस्ट ए मिनट, आप मैं आपको बता रहा हूँ 1.25 करोड़ का जो ये है सबसे बड़ा ऑर्डर है इस वक्त कंट्री में, एंड दिस इज ऑलरेडी बीइंग डिस्पैच, ऑलरेडी इट हैज बीन डिस्पैच, एंड यू विल सी कि दैट एग्रेसिवली दिस वैक्सीन कैंपेन एट डिफरेंट प्लेसेस इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट इट विल बी लॉन्च्ड
फ्रॉम टुमारो फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो होगा और इसको वी आर कमिटेड टू कंप्लीट दिस वैक्सीनेशन ड्राइव एज अर्ली एज पॉसिबल. But sir, why I am asking you about the statistics is precisely because... देखो पीछे से भी बोल रहा है. Man sir, anybody can tell us that what is the number of ICU beds available in Kashmir right now and what is the number of oxygen beds you have? Yes, 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 yes. मैं स्पेसिफिक बताता हूँ. 1600 बेड ऑक्सीजन सप्लाईज के कश्मीर के 20 हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है और उसकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है पर डे को अगर 1600 लोगों को ऑक्सीजन अगर सप्लाई करना है तो 3.26 करोर एलपीएम ऑक्सीजन की हमें जरूरत है. 3.26 करोर लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की जरूरत है. हमारे पास आज की अवेलेबिलिटी जो है 5.43 करोर लीटर पर मिनट अवेलेबिलिटी है. हम इस बेड कैपेसिटी को 1600 से 2500 तक आने वाले 5 दिन में ले जा रहे हैं. जहाँ तक रहा आपने जो वेंटिलेटर्स बेड्स की सब बात की, 111 वेंटिलेटर बेड्स अभी अवेलेबल है. वेंटिलेटर्स हमारे पास और भी मात्रा में अवेलेबल है. उसके लिए जो क्रिटिकल मैन पावर रखता है वो हम हायर कर रहे हैं. चलिए, थैंक यू वेरी मच.